हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। हल्द्वानी में आज कोरोना का विस्फोट हुआ है। बता दें कि पाल नर्सिंग कॉलेज में 93 छात्र छात्राएं कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं 3 दिनों में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 200 के पार पहुँच गया है। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह लोगों की सैंपलिंग कर रही है और भीड़भाड़ वाले स्थानों में लोगों को कम जाने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही कोरोना के नियमों का भी पालन कराया जा रहा है। उनका कहना है कि कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अब प्रशासन फिर से चालानी कार्रवाई शुरू करने जा रही है। गौरतलब है कि हल्द्वानी में एक ही दिन में 93 छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वही प्रशासन भी अब हरकत में आ गया है। शहर के जगदम्बा कॉलोनी, निशांत विहार, चौधरी भवन, पाल नर्सिंग कॉलेज, नैनीताल रोड, भट्ट कॉलोनी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, तो वही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने सैंपलिंग की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। लेकिन लगातार कल से लेकर आज तक जो हमारे सैंपलिंग की हल्द्वानी के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें काफ़ी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से आज हमारा जो पाल नर्सिंग कॉलेज है वहाँ 93 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और लगातार इन एरिया में हम सैंपलिंग कर रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी में 5 आज माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं इन एरिया की सैंपलिंग कराते हुए। इस संक्रमण की दर को लगातार उस पर नज़र रखी जा रही है। देखिए हल्द्वानी में 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोग ने बनाए हैं, जिसमें से जगदम्बा कॉलोनी, निशांत विहार, चौधरी भवन, पॉल नर्सिंग कॉलेज और भट्ट कॉलोनी है, और इन सभी जगह आसपास के लोगों की भी सैंपलिंग की जाएगी। इसके अलावा जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जो मॉल्स हैं, उसमें भी हम कल रोस्टर वाइज चेकिंग करेंगे। देखिए अभी हमारी जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसमें ऐसी कोई संख्या भी निर्धारित का भी नहीं आया है। जो भी हमारी लेटेस्ट गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग नियमों के लिए लोगों को पालन करने के लिए करेंगे। और फिलहाल फिर यह अपील जरूर की जा रही है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। मास्क का प्रयोग बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है, मास्क का प्रयोग करें, और इसके लिए हम लोगों ने अपनी टीमें अलर्ट कर दी हैं। वापस चालान की कार्रवाई की जाएगी, जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनमें सख्ती से कार्रवाई होगी। बिल्कुल सैनिटाइज भी किया जाएगा और इसके अलावा मास्क पे विशेष रूप से अभियान चलाया जाएगा कि मास्क कंपलसरी है, और हम अपनी सैंपलिंग रेंडमली हर जगह की कराते रहेंगे। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।